तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी। इसको लिखा ऐसे जाता है क्यू आई, लेकिन इसको जो प्रोनाउंस करते हैं वो कहते हैं जी, और मेडिकल साइंस में इसको कहा जाता है ल्यूमुला। तो हमारा जो मिशन है वो ये है कि हम नेचर के साथ कनेक्ट और लोगों को भी नेचर के साथ कनेक्ट करें। तो आपका क्या ख्याल है कि मुस्लिम ज्यादा नेचर के साथ कनेक्ट है या फिर नॉन मुस्लिम्स? हम समझे नहीं, क्या पूछना चाह रहे हैं सीपी? क्या क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि आपका क्या ख्याल है कि नेचर के साथ ज्यादा कनेक्ट मुस्लिम है या फिर नॉन मुस्लिम है? जी, बताएं जी, जवाब दें हाफिज साहब और बिलाल जी भी, जवाब दें कि नेचर के साथ साहब, कौन ज्यादा कनेक्टेड है। जी मुस्लिम मुस्लिम भी कनेक्टेड है और जो नॉन मुस्लिम है वो भी कनेक्टेड है। अब नॉन मुस्लिम का जो एटीट्यूड टुवर्ड्स नेचर है वो कुछ और होता है। देखा जाए तो हमारे नस्बत वो ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, वो नेचर का ज्यादा ख्याल रखते हैं। और मुस्लिम को देखा जाए जनरली तो हम तो ज्यादातर नेचर को स्पाइल करते हैं, जबकि वो लोग जो हैं वो नेचर की नरिशमेंट के लिए काम करते हैं कि किस तरह इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, और हम लोग उसको डिक्रीज करते जा रहे हैं। हालांकि ये हमारा फरीजा है कि हम उसको नरिश करें, नेचर को। जब हम उसको नरिश करेंगे वो हमें नेचर रिटर्न के अंदर बहुत ज्यादा चीजें ऐसी देगी जिससे हमारी नरिशमेंट होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो नॉन मुस्लिम है वो नेचर के साथ जो है ज्यादा कनेक्टेड है, और हम बजाय कनेक्ट होने के हम इसके अगेंस्ट हैं, हम इसको खराब कर रहे हैं नेचर को। हम दरख्त काट देते हैं और सफाई का ख्याल नहीं रखते, और इस तरह की जो मुख्तलिफ चीजें जिसकी वजह से नेचर जो है डिस्टर्ब हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, तो ची क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ची जो है एक वाइटल एनर्जी है, लाइफ फोर्स है, जिंदगी को चलाने वाली ताकत है, और एनर्जी फ्लो है, एनर्जी का बहाव है, यानी मुख्तलिफ ऑर्गन्स में जो एनर्जी फ्लो होती है उसका जो बहाव है उसको कहते हैं ची। तो जो हमारी जो बॉडी है उसको जो है हम जो इंसान की जो बॉडी है उसको जो है रूह चलाती है, और रूह को जो है वो ची चलाती है। यानी बॉडी को रूह रूह चला रही है जो, और रूह जिस चीज को रूह को जो चीज चला रही है वो है ची। तो ये जो है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, हर इंसान जानवर हर चीज में होती है, और इसकी जो बेसिस होती हैं वो होती हैं यिन और यंग पे। अच्छा, तो यिन और यंग क्या होते हैं? ये दो ऑपोजिट ताकतें हैं। यानी अगर यिन जो है यांग के बिल्कुल ऑपोजिट है, तो ये जो आप ये बीच में जो देख रहे हैं सिंबल सा जो है ये आपने पहले भी देखा होगा। तो कायनात में जो होती है ना सारी चीजें जो हैं वो बैलेंस होनी चाहिए। अगर उनका जो बैलेंस है वो खराब हो जाए तो कायनात का जो निजाम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब यिन क्या होता है, जैसे यिन यांग देख लेते हैं। अगर यिन जो है स्मॉल है तो यांग जो है लार्ज है, यिन फेमिनिन है तो यांग जो है मैस्कुलिन है, यिन ठंडा है तो यांग जो है गर्म है। यानी ये बिल्कुल ना ऑपोजिट ताकतें हैं, एक गर्म होगा दूसरा ठंडा होगा, एक गर्म होगा ठंडा होगा, एक रफ होगा एक स्मूथ होगा, इस तरह ये जो है ना मुख्तलिफ डिफरेंट वो हैं, ऑपोजिट ताकतें हैं यिंग और यंग। और इस पे जो है जो ची है वो बेस करती है। उसके बाद जो है ची से ची को हम कैसे देख सकते हैं, ये जो हमारे नाखून में जो हाफ मून शेप का जो होता है वाइट कलर का हाफ मून शेप का, इससे हम अपनी ची का पता लगा सकते हैं कि आपकी ची अच्छी है कि कैसी है आपकी। तो ची का जो है ब्लड के साथ क्या ताल्लुक है वो देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि ची जो है हमें कहाँ से मिलती है।
तो सबसे पहले जो दुनिया में आने से पहले जो हमें ची मिली होती है वो हमें अपने पेरेंट्स से मिली होती है, और फिर उसके बाद दुनिया में आने के बाद जो हम अपनी जो ची बनाते हैं वो अपना जो हम खाते हैं उससे हमें हमारी ची मिलती है। जी ऐसे भी यहाँ पे प्लेन ची और ग्रीन ची को एक्सप्लेन करें। अच्छा, तो ची की जो है दो टाइप्स होती हैं, एक होती है प्लेन ची और एक होती है ग्रीन ची। प्लेन ची जो होती है वो हम जो है हवा से जो लेते हैं उसको प्लेन ची कहते हैं, और जो खाने पीने से हमें ची मिलती है उसे हम ग्रीन ची कहते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ची का जो ब्लड से जो रिलेशन है वो क्या है? ची जो है ब्लड की स्पीड कैपेसिटी और या ब्लड की एबिलिटी, यानी अगर आपकी चीज जो ज्यादा होगी आपकी ब्लड की जो स्पीड है वो भी ज्यादा होगी, और आपकी जो न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन है वो भी ज्यादा होगी, यानी ब्लड जो है ज्यादा न्यूट्रिशन जो है सेल तक लेके जा सकेगी, एबिलिटी होगी कि वो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स सेल तक लेके जा सके। और इस नीचे देखते हैं कि अगर आपकी चीज जो है ज्यादा होगी तो आपको आपको थोड़ा खाना भी है, जो थोड़ा भी अगर आप खाएं तो आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी उससे, और अगर आपकी चीज कम है तो उससे क्या होगा कि आप अगर ज्यादा भी खाना खा लेना तो आपको एनर्जी कम मिलेगी। यानी अगर इस इधर हम मिसाल लेते हैं, अगर दो लोग हैं एक की चीज जो है दूसरे से अगर डबल है, तो जो जिसकी चीज जो है ज्यादा है वो अगर एक प्लेट से जो एनर्जी ले रहे हैं ना, दूसरे बंदे को वो एनर्जी लेने के लिए दो प्लेट्स खानी पड़ेंगी। तो ये कंपैरिजन था हाई और लो का। फिर उसके बाद जो है चीज की डेफिशिएंसी के क्या सिम्टम्स हैं, तो चीज की डेफिशिएंसी के जो सिम्टम्स हैं उसमें सबसे पहले आ जाते हैं कि हेयर बाल जो है वो ड्राई होते हैं और डेंस नहीं होते, मतलब डेंसिटी कम होती है बालों की और ड्राई होते हैं। उसके बाद जो है आईज आंखें जो होती हैं येलोइश होती हैं, और ब्लड के जो ब्लड टाइप वो जो आ जाते हैं रेडिश भी हो जाती हैं, और उसके अलावा आंखों के बाहरी जो स्किन होती है वो बैगी हो जाती है, यानी लटकने लग जाती है, और आंखें ड्राई हो जाती हैं, और आईलेट्स जो होते हैं वो हैवी होते हैं। उसके अलावा जो है स्किन में अगर देखा जाए तो स्किन जो होती है रफ होती है और कलर उसका डल हो जाता है और येलोइश सी हो जाती है, येलोइश या पेल होता है कलर वो हो जाती है, और उसके अलावा जो है स्किन पे रेड डॉट्स आ जाते हैं ची की डेफिशिएंसी की सूरत में। और उसके बाद जो है आपके जो नाखून है उसमें बिल्कुल भी थोड़ा सा या फिर बिल्कुल भी वो नहीं होगा, जो हाफ मून जो होता है जिससे हम ची को पता लगाते हैं कि आपकी ची कैसी है, अच्छी है या कम है। तो अगर आपकी आपको ची की डेफिशिएंसी है तो आपकी उंगलियों में जो वो ये आप अगर दे सकते हैं, ये उंगलियों में जो बिल्कुल नेल के स्टार्टिंग पे जो हाफ मून शेप बनी हुई है ना, ये अगर अगर आपको डेफिशिएंसी होगी तो फिर ये थोड़ी सी होगी या फिर बिल्कुल नहीं होगी। उसके अलावा आपको सोने में मुश्किल हो रही होगी, सोने में मुश्किल यानी आप सो नहीं पाते होंगे, नींद डिस्टर्ब होगी आपकी,
तो अगर आपकी ची जो है सही है, डेफिशिएंसी नहीं है आपको, तो आपके जो है बाल डार्क होंगे, डेंस होंगे और सिल्की होंगे। उसके बाद जो है आपकी जो आंखें हैं वो ब्राइट होंगी, कोई उसमें कोई कलर वगैरह नहीं होगा, बिल्कुल ब्राइट आंखें होंगी। और जो स्किन है वो भी बिल्कुल, आंखों के बाद जो स्किन है वो भी बिल्कुल बैगी नहीं होगी, बिल्कुल सही होगी। उसके बाद जो है स्किन जो है पिंक पिंक वाइट यानी वाइट होगी और शाइनी होगी। उसके अलावा इलास्टिक स्किन होगी यानी इलास्टिसिटी स्किन में जो है वो ज़्यादा होगी। और स्किन में जो है रिंकल्स और स्पॉट्स जो है, रेड स्पॉट्स वो भी नहीं होंगे। उसके बाद जो है आपके जो नेल्स हैं उसमें जो है आप ये हाफ मून शेप, हाफ मून जो शेप है वो आपको नजर आएगी। और फिर उसके बाद आपको नींद में कोई मसला नहीं होगा, आप आराम से सो सकते हैं और गहरी और सुकून की नींद सो सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ये ची का साइकिल है कि ची जो है किन किन ऑर्गन्स में कब कब आती है। तो टोटल जो है 11 ऑर्गन्स हैं और ये जो है ची जो है हर ऑर्गन में जो है 2-2 घंटे आती है, 24 घंटे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, सुबह से स्टार्ट करते हैं। सुबह 1 बजे से लेके 3 बजे तक जो है ची जो है लीवर में आई होती है। उस वक्त जो है आपको उस वक्त जो है आपको अच्छा, बल्कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सुबह जब आप उठते हैं। तो सुबह जो है 5 से 7 जो है ची आपके लार्ज इंटेस्टाइन में आई होती है। तो उस वक्त जो है आपको उठना चाहिए और मेडिटेशन करनी चाहिए। उसके बाद जो है 7 से 9 जो है आपकी ची होती है वो सुबह 7 से 9 जो है आपकी ची जो है स्टमक में आई होती है। उस वक्त आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए। जी और ऐसे सुबह 5 से 7 को मजीद एक्सप्लेन करें, हमें क्या क्या काम करने हैं। वॉशरूम भी जाना चाहिए ना, हमें वॉशरूम जो है ना अर्ली इन द मॉर्निंग जाना चाहिए। जी ये ना मूव बाउल्स जो हमारा बाउल सिस्टम है ना, उसकी मूवमेंट ज्यादा होती है तो वो जो टॉक्सिन्स है ना पखाने को बॉडी से बाहर निकाल देता है। यानी कि ये अर्ली इन द मॉर्निंग है ना, मतलब ये फजर से पहले, ये फजर से पहले का टाइम है। फजर से पहले जो है ना हमें अपनी जो है लार्ज इंटेस्टाइन को खाली कर देना चाहिए ना, नेचर ने ये टाइम रखा है। और ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है इसमें ये बन ही नहीं सकता, ये डेली का अलग बनता है ना। तो इसमें जो ये जो क्लॉक है ये दिसंबर का है और दिसंबर में क्या है 7 बजे सनराइज होता है, ठीक है। और ये जो ये क्लॉक है ये दिसंबर का है कि सनराइज 7 बजे हो रहा है। तो इस तरह से आप ना सनराइज के हिसाब से फिर आप टाइम को ट्रीट करेंगे। फर्ज किया आजकल आप देखेंगे तो कितने बजे सनराइज हो रहा है, तकरीबन आजकल हो रहा है 5:55 पे या 5:10 पे हो रहा है। तो आजकल फिर यही टाइम हो जाएगा 3 से 5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा वेकअप और उसका टाइम 3 से 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ना सनराइज को कंसिडर करते हुए इस जो ये बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, चाइनीज मेडिसिन क्लॉक है, सरकाडियन क्लॉक भी इसे कहते हैं, तो इसको हमने कंसिडर करना है। तो ये सनराइज के साथ है, ये यहाँ पे एज्यूम किया गया सनराइज 7 बजे हो रहा है, इसलिए इन्होंने कहा है कि 5 से 7 बजे ये हमारा उठने का टाइम है। यानी कि 5 बजे हम उठ जाएं सर्दियों में और उठ के वॉशरूम चले जाएं और अब पखाना कर लें, ठीक है, मेडिटेशन कर लें, ठीक है, एक्सरसाइज कर लें, ठीक है, उसके बाद फजर की नमाज पढ़ लें। जी, इसी पे आगे कंटिन्यू करें। जी अच्छा, बिल्कुल सही कहा कि इसको जो है हम उसके साथ लिंक करेंगे, सनराइज और सनराइज के साथ हम इसको लिंक करेंगे। तो अभी हम इस साइकिल को देख लेते हैं। इसमें जो है 5 से 7 जो है सुबह उसमें उठना चाहिए और आपको वॉशरूम जाना चाहिए और आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। उसके बाद जो है 7 से 9 जो है जो ची है वो स्टमक में आई होती है। तो
तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए, आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए और वॉक करनी चाहिए या जॉगिंग करनी चाहिए। तो उसके बाद जो है ची जो है 9 बजे से लेके 11 बजे तक ची जो है सप्लीन में आई होती है, तो उस वक्त आपको दोपहर का खाना खा लेना चाहिए या कुछ स्नैक्स लेने चाहिए आपको कुछ खाने के लिए, और वॉक करनी चाहिए आपको। उसके बाद जो है 11 से 1 जो है वो ची जो है हार्ट में आई होती है, उस वक्त जो है आपको दोपहर का खाना खा लेना चाहिए और वॉक करनी चाहिए। फिर उसके बाद 1 से 3 जो है ची जो आपकी है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आई होती है, और फिर इसी तरह 3 से 5 जो है हमारा जो ब्लैडर है उसमें आई होती है, और 5 से 7 जो है किडनी में आई होती है, और 7 से 9 जो हमारा पेरिकार्डियम है उसमें आई होती है, और 9 से 11 जो है ट्रिपल बर्नर में, और 11 से 1 गॉल ब्लैडर में, और 1 से 3 लिवर में, और 3 से 5 लंग्स में। तो इसको जो है हमारे उसके साथ लिंक किया गया है 5 organ theory के साथ। तो जो इन ये जो 5 organs हैं, अभी पिछले जो क्लास हुई थी उसमें बात की गई थी कि ये जो 5 organs हैं इनके कुछ पार्टनर organs हैं, तो ये उस हिसाब से जो है चीज जो है फ्लो करती है सब organs में। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट ऐसी भी आप जो सर्कल है ना उसको जरा एक्सप्लेन कर दे, ये जो सर्कल है ना इसको एक्सप्लेन कर दे, मतलब इसको पढ़ी दे एक दफा, इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें लिखी हुई है। जी इसमें जो है ब्रेकफास्ट से शुरू करते हैं, ब्रेकफास्ट पे थोड़ा सा आप एक्सप्लेन भी करें कि ब्रेकफास्ट के टाइम इस जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके मुताबिक हमें कितने बजे ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए और वॉशरूम हमें कितने बजे जाना चाहिए। अच्छा, तो हमें जो है सूरज निकलने से जो है 1/2 घंटा पहले जो है वो ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि जो ची होती है जब सनराइज होता है तब हमारे जो है स्टमक में आ जाती है, तो ये जो है 2 घंटे के लिए रहती है हमारे स्टमक में। तो हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि सनराइज से पहले ही नाश्ता कर लें, ताकि जो नाश्ता है वो डाइजेस्ट हो जाए और उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है एब्जॉर्ब हो सके, ची जो है उसे एब्जॉर्ब कर सके। तो उसके अलावा जो पखाने का टाइम है वो भी इसी के साथ ही, नाश्ते से पहले यानी फजर से पहले हमें जाना चाहिए वॉशरूम, वॉशरूम का टाइम वो है। तो उसके बाद जो है सब्जिन का हमने देख लिया था कि कुछ हल्का फुल्का सा आपको खा लेना चाहिए उस वक्त जो टाइम है 9 से 11 वो सब्जिन का होता है, और फिर 11 से 1 जो है वो हार्ट का टाइम है, इस टाइम आपको जो है खाना खा लेना चाहिए दोपहर का। तो उसके बाद जो है 1 से 3 जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आई होती है ची, उस वक्त जो है हमें कैलुला करना चाहिए, शॉर्ट कोई कैलुला कर लेना चाहिए, और फिर उसके बाद जो है 3 से 5 जो है ची जो है ब्लेडर में आई होती है हमारे, तो उसमें जो होती है एनर्जी रिस्टोर हो रही होती है और लिक्विड जो वेस्ट है वो रिलीज हो रहा होता है। तो उसके बाद जो है 5 से 7 जो है वो किडनी में आती है ची, उस अगर न्यूट्रिएंट्स स्टोर हो रहे होते हैं और जो बोन मैरो होती है वो हो रही होती है, बिल्ड हो रही होती है बोन मैरो। उसके बाद 7 से 9 जो है वो पेरिकार्डियम में आती है ची, और उस वक्त कुछ लाइट रीडिंग करनी चाहिए हमें, और अपने ये हमारा पर्सनल टाइम होता है, अपने आप को टाइम देना चाहिए इस वक्त। उसके बाद जो है ट्रिपल बर्नर में आती है ची,
और 9 से 11 जो है ट्रिपल बर्नियर में जी आती है, और फिर इसके बाद 11 से 1 जो है वो जी जो है गॉलब्लैडर में आती है, उस वक्त हमें सो जाना चाहिए और गहरी नींद के साथ सुकून के साथ सोना चाहिए। और फिर 1 से 3 जो होती है वो लीवर में आ जाती है जी, उस वक्त हमें हम सो ही रहे होते हैं और उस वक्त क्या हो जाता है लीवर से है वो डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा होता है, ब्लड जो है डिटॉक्सिफाई हो रहा होता है। फिर जो है 3 से 5 जो है लंग्स में जब जी आती है तो लंग्स डिटॉक्स हो रहे हैं, डिटॉक्सिफिकेशन हो रही होती है लंग्स की। तो ये जो है जी का की डेली रूटीन है कि इस रूटीन के तहत जो है ये रोजाना जो है यानी 24 घंटे जो है इस तरह पूरी बॉडी में सारे ऑर्गन में जो है फ्लो करती है। तो उसके बाद आ जाता है कि हम अपनी जी जो है वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है एक्सरसाइज अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें सुबह उठ के जो है एक्सरसाइज करनी चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए या वॉक करनी चाहिए। और उसके बाद जो है हमें अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज यानी रात को जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, यानी सोने के टाइमिंग हमें सेट करनी चाहिए। और उसके बाद जो है ऑर्गेनिक फूड हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है अपने घर में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑर्गेनिक फूड इस्तेमाल करें, जो कि ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं यूरिया और DAP इनसे जो है पाक हैं, और नेचुरल खाद पे जो उगी हुई जो चीज़ें हैं वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और फिर उसके बाद जो है क्लीन ईटिंग है, हमें क्लीन ईटिंग करनी चाहिए और जंक फूड से ग्रेस करना चाहिए। अच्छा, इसमें ऑर्गेनिक फूड में एक और बात आ जाती है, एक होता है GMO फूड जो प्रोसेस फूड होता है, ये जिस तरह ये कैन वगैरह हो गए और इस तरह जो जितनी भी कैन चीज़ें होती हैं, इस तरह की प्रोसेस जो चीज़ें होती हैं वो GMO फूड होती हैं। तो ये हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि नॉन GMO फूड इस्तेमाल की जाए जो कि प्रोसेस नहीं है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि नॉन GMO की तरफ हम ज़्यादा रहें और यही इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद जो है क्लीन ईटिंग जो है हमें जंक फूड से बचना चाहिए, मतलब जंक फूड नहीं खाना चाहिए और हेल्दी खाना खाना चाहिए, और हमारी जो डाइट है वो बैलेंस होनी चाहिए, जिसमें हमारी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिससे हम हमें जो है जितने भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं डेली वो हमें हमारे जो हैं वो पूरे हो रहे हों। और उसके बाद जो है हमें यहाँ खाने की टाइमिंग सेट करनी चाहिए। तो नाश्ते का जो टाइम है वो अभी पहले भी डिस्कस हुआ कि सूरज निकलने के आधा घंटा पहले जो है वो नाश्ते का टाइम है, क्योंकि चीज जो है सनराइज पे स्टमक में आई होती है और उस वक्त हमें नाश्ता कर लेना चाहिए। तो आधा घंटा जो है आधे से पौना घंटा जो स्टमक को फूड डाइजेस्ट करने में लग जाता है, तो अगर हम आधा घंटा पहले हम नाश्ता कर लें तो उसके ची के पास जो है 2 घंटे टाइम होता है कि वो उस खाने से ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है एब्जॉर्ब कर ले। आजकल जो है हम हमारा जो नॉर्मल नाश्ता है वो 8 बजे 9 बजे 10 बजे होता है, तो उस वक्त तो ची जो होती है वो जा चुकी होती है, तो ची जो है कोई न्यूट्रिएंट्स लेके नहीं जाती, खाली चली जाती है, क्योंकि हमने उस वक्त उसको न्यूट्रिएंट्स दिए नहीं, हमने नाश्ता किया ही नहीं। तो इसलिए हमें नाश्ते का टाइम सेट करना चाहिए। और रात के खाने का जो टाइम है वो मगरिब से पहले ही है, हमें मगरिब से पहले नाश्ता करना चाहिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मगरिब से पहले ही नाश्ता किया करते थे, सॉरी रात का खाना जो है मगरिब से पहले ही खाते थे। तो कोशिश करनी चाहिए कि मगरिब से पहले या मगरिब के फौरन बाद जो है रात का खाना खा लिया जाए। तो उसके बाद जो है हम जो है अभी हम जहाँ पे बैठे हुए हैं तो हम रेडिएशन में बैठे हुए हैं, मोबाइल की रेडिएशन,
सिग्नल्स और वाईफाई के रेडिएशन, तो हम इससे बच तो नहीं सकते, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इससे बचें और इससे दूर रहें। अच्छा, तो उसके बाद जो है जो हमारा जो ये हम जो सर्विसेज दे रहे हैं सोसाइटी को, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है प्लांटेशन की, प्लांटेशन करते हैं जिसमें प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, और हम जो है अब हमने अपने घर में भी नर्सरी बनाई हुई है, स्मॉल नर्सरी, जहाँ से हम लोगों को वो देते हैं, प्लांट्स देते हैं, और उसके अलावा और लोगों की भी हम नर्सरीज जो है डेवलप करते हैं, ताकि बच्चों की जो है एजुकेशन हो सके, उन्हें पता लग सके, वो नेचर के साथ कनेक्ट हो सके। और फिर उसके बाद जो है दूसरी जो हमारी सर्विस है वो है फिजियोथेरेपी की, जिसमें जो है हम माइक्रो और मैक्रो ब्लड सर्कुलेशन देते हैं BCM के थ्रू। ब्लड सर्कुलेटिंग मसाजर एक डिवाइस है, उससे जो है हम माइक्रो और मैक्रो ब्लड सर्कुलेशन देते हैं। फिर उसके बाद जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी है, फिर बायो इलेक्ट्रिसिटी थेरेपी है, ओजोन थेरेपी है और म्यूजिक थेरेपी है। तो ये हमारे पास कुछ डिवाइसेज हैं जिससे हम फिजियोथेरेपी देते हैं। फिर उसके अलावा जो है यहाँ पे जो हमारे है GNHL ग्लोबल नेचर हेल्थ नाउ, इधर जो है हेल्थ के चेकअप्स होते हैं, और इसके अलावा हम जो है वेलनेस और फाइनेंशियल जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करते हैं, और उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप की एजुकेशन हम देते हैं, जो कि हमने जो है USA से ली हुई है। और इसके अलावा हर संडे जो है यंग एंटरप्रेन्योर की क्लास करते हैं, जिसमें यंग लोगों को हम चांस देते हैं कि वो आए और प्रेजेंटेशन दें। मैं जो उस क्लास में जो है रॉबर्ट टी क्योसाकी की बुक पढ़ा रहा हूँ, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, तो ये हम क्लास करते हैं। फिर उसके अलावा जो है हम बाकी लोग कौन कौन सी बुक पढ़ाते हैं सीपी, वो भी एक्सप्लेन कर दें, बाकी 3 बुक्स भी बता दें। अच्छा, बाकी जो है राना अब्दुल्ला जो है वो रॉबर्ट टी क्योसाकी की बुक है, वो है बिजनेस स्कूल, वो बिजनेस स्कूल पढ़ाते हैं। उसके अलावा जो छोटे भाई हैं राना अब्दुल रहमान, वो पढ़ाते हैं रिच डैड पुअर डैड, और उसके बाद जो है सबसे जो छोटे हैं वो 5 क्लास में, वो जो बुक पढ़ा रहे हैं वो है राना इब्राहिम तारिक, वो 5 क्लास में है, और वो जो है बुक जो पढ़ा रहे हैं वो है कैश फ्लो, कैश फ्लो क्वाड्रेंट जो है एक बुक है रॉबर्ट टी क्योसाकी की है, वो जो है बुक पढ़ा रहे हैं संडे की जो यंग एंटरप्रेन्योर क्लास है। तो उसके बाद जो है हम जो है G13 की वेलफेयर सोसाइटीज को वॉलंटियर सर्विसेज देते हैं, और फिर फ्री ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होती हैं, और उसके अलावा जो है स्पिरिचुअल सर्विसेज में जो है कुरान की कुरान जो कुरान ट्रांसलेशन की डिवाइस क्लासेस होती हैं, और तर्जुमा कुरान कुरान जो है तर्जुमे वाला कुरान की को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम, और उसके अलावा जो है क्लीनिंग ड्राइव्स होती हैं, सफाई की मुहिमें होती हैं जो हम कंडक्ट करवाते हैं, और उसके अलावा जो है हम सोसाइटी में जो है बारिश का पानी जो है उसको स्टोर करने की और सॉइल रिचार्ज की जो है अवेयरनेस दे रहे हैं, क्योंकि जो बारिश का पानी है इतना पानी जो है जब भी बारिश होती है तो इतना पानी जो है ऐसी ज़ाया हो जाता है, और किसी को शोर नहीं है कि इतना पानी जो है हमारा ज़ाया हो गया और हम जो है पानी को रो रहे हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ जो पानी है हम उसको ज़ाया कर देते हैं और हम पानी के लिए रो रहे हैं। तो इसको रेन वाटर की जो हार्वेस्टिंग है उसको स्टोर करके कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं उस पर हम अवेयरनेस दे रहे हैं, और उसके अलावा जो है सॉइल रिचार्ज यानी ज़मीन में जो है बारिश का पानी
डाला जाए जिससे जमीन में जो पानी का लेवल है वो राइज हो। तो ये जो है हम सर्विसेज दे रहे हैं और ये सोशल वर्क्स है जो हम सोसाइटी को दे रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया आज की ये प्रेजेंटेशन थी। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। माशाल्लाह सीबी, बहुत अच्छी आपने प्रेजेंटेशन दी वाइटल फोर्स के ऊपर और बड़ी स्मार्ट प्रेजेंटेशन दी। माशाल्लाह जबरदस्त आपने प्रेजेंट किया। जी कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। हाफिज साहब ऑफलाइन हो गए, चलिए रिकॉर्डिंग तो ऑफ कर दें।